गांवों और छोटे शहरों से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की परीक्षा के बाद निकले स्टूडेंट्स के हौसले आसमान पर होते हैं। वो देश की व्यवस्था में भागीदार बनने का सपना लिए दिल्ली प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में आते हैं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ रहकर कोचिंग करते हैं। उनका सपना होता है कि एक न एक दिन वो IAS या IPS जरूर बनेंगे, लेकिन यही सपना उनके लिए कब और कैसे काल बन जाएगा ये कौन जानता है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुए जल भराव और इसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत की कहानी भी कुछ इस तरह ही है। इस घटना में मौत के शिकार हुए 3 बच्चों श्रेया, तानिया और नेविन की पहचान हो गई है। इनमें श्रेया उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के एक गांव की रहने वाली थी। इसी प्रकार तेलंगाना के एक छोटे से गांव से आई तानिया सोनी और केरल के एक गांव का रहने वाला मृत छात्र नेविन डाल्विन भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही आता था। बताते हैं कि ये 3 बच्चे मेधावी थे और तीनों ही अपने भविष्य को लेकर आश्वासित भी थे। उनकी मेहनत और लगन को देखकर उनके घरवालों का उत्साह भी बढ़ जाता था। इन बच्चों के घरवालों ने भी अपना पेट काट कर इन्हें पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इतना करने के बाद भी नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जिस व्यवस्था में हिस्सेदार बनने के लिए ये 3 बच्चे रात दिन एक कर दिए करते थे, रात रात भर किताबों में आंखें फोड़ रहे थे, ये तीनों के तीनों उसी अराजक व्यवस्था की भेंट चढ़ गए। वही इस व्यवस्था के लिए उस व्यवस्था के जिम्मेदार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें कोचिंग प्रबंधन से लेकर दिल्ली सरकार और MCD से लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। हालात यहां तक आ गए हैं कि इसी कोचिंग के अन्य छात्रों को न्याय के लिए कोचिंग के बाहर धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये सभी छात्र खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या इसी व्यवस्था में शामिल होने के लिए वो अपनी किशोरावस्था और जवानी को बर्बाद कर रहे थे। हालांकि इस सवाल का ठोस जवाब अब तक उन्हें नहीं मिला है। एक सवाल ये भी है कि देश की राजधानी में ये सब हुआ कैसे। दरअसल शनिवार को दिल्ली में थोड़ी तेज बारिश हो गई थी। इस बारिश के वक्त देश के इस प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के अंदर बच्चों की क्लासेस भी चल रही थी। इसी दौरान बेसमेंट से गुजर रही सीवर लाइन में फॉल्ट आ गया और देखते ही देखते पूरा का पूरा बेसमेंट लबालब हो गया। इस घटना के समय बेसमेंट में क्लास कर रहे सभी स्टूडेंट्स चीखने चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से कुछ स्टूडेंट्स तो तैरकर बाहर निकल गए, वहीं 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि कुछ स्टूडेंट्स लापता भी हो गए। जहां ये लाइब्रेरी है वहां ऐसी सैकड़ों लाइब्रेरियां हैं और कई तो इसी तरह बेसमेंट में ही हैं। कई बार हल्की सी बारिश आने पर पूरे इलाके में पानी भरता है, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इसी लापरवाही ने अब 3 बच्चों की जान ले ली है और अब सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा पता नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।